इस वीडियो का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बिकॉज दिस इज जस्ट अ ब्रेकअप मोटिवेशन फॉर ऑल दोस गाइस हु आर ब्रोकन हार्ट एंड वी रिस्पेक्ट वुमेन, एवरीवन रिस्पेक्ट वुमेन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तू मेरा प्यार समझ ले, इतनी तेरी औकात नहीं, और मैं तेरे लिए हाथ काट लूं, तू इतनी भी खास नहीं। अरे च्युइंगम की तरह चबा करके पूरा स्वाद लेने के बाद तूने मुझे फेंक दिया और छोड़ दिया उस रास्ते पे जहां से मैं लाचार था। अरे मेरे दिल के साथ तूने डबल गेम खेला और उसके बाद कह दिया मैं तुझसे प्यार नहीं करती। कहां का है ये इंसाफ? ये कहीं का इंसाफ नहीं। अरे रात रात भर जाग करके तेरे रिप्लाई का वेट करता था और रिप्लाई का देखते ही मैं मुस्कुरा देता था, और आज ये मंजर है कि सीन करने के बाद आंखों से आंसू आ जाते हैं। कहां का है ये प्यार? रात भर जाग जाग करके तेरी यादें तेरे सपने देखता था और अब सपनों में चकनाचूर हो गया। किस काम का है ये प्यार? क्या प्यार की ये कीमत है? अरे खरीदने वाले बाहर बहुत मिलेंगे, पैसे से खरीद ले, कीमत से खरीद ले, क्योंकि प्यार कीमत से नहीं किस्मत से बदली जाती है, किस्मत से मिलती है प्यार। अरे मैं तेरे को क्यों समझा रहा हूं, तेरे लिए तो ये किसी काम की चीज ही नहीं है, तेरे लिए किसी काम की चीज नहीं है। सही कहती थी तू, मैं पागल हूं। हां मैं पागल ही तो हूं, पागल ही था मैं तेरे प्यार के पीछे, सॉरी तू जैसियों के पीछे, पर सही में मैं पागल था जो कि तेरे लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी करता था। तेरी खुशियां मिल जाए इसके लिए मैं अपनी खुशियों की कुर्बानी करता था। तेरे रिप्लाई देने के लिए पूरी दुनिया का रिप्लाई नहीं करता था, तेरे रिप्लाई के लिए रात भर जागा रहता था, और उसको रिप्लाई करना चाहिए उसको मैं रिप्लाई नहीं करता था, गलत करता था मैं। अब मुझे समझ में आ गया, देर से ही सही लेकिन भाड़ में गई तू और तेरा प्यार। चल हट, तुझे नहीं मालूम कि प्यार कीमत से नहीं किस्मत से मिलती है, और जिस दिन तू ये समझ जाएगी ना, उस दिन फिर से याद करेगी मुझे और मेरे जैसों को, क्योंकि भाड़ में गई तू और तेरा प्यार। चल हट। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग अभी स्पार्क्स।